चल नेक्स्ट टाइम मैं मीटिंग ना लेके टाइम ऑफ फ्लाइट। ऑब्जेक्ट को आपने ग्राउंड से फेंका कैसा फेंकोगे, सीधा फेंकोगे कि तिरछा? आपने ग्राउंड से फेंका विद सर्टेन वेलोसिटी u है ना, एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, और ऑब्जेक्ट वापस से आया ग्राउंड। दिस इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस व्हिच इज नोन एज रेंज। ठीक है सर। जितने समय तक ऑब्जेक्ट हवा में रहा या ग्राउंड से लेके वापस से ग्राउंड में आने में जो टाइम लगेगा उसी को क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। बोलो क्लियर है? यस सर। है ना, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि टाइम अप टू व्हिच अ प्रोजेक्टाइल रिमेंस इन एयर इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। लिखोगे टाइम अप टू व्हिच, टाइम अप टू व्हिच अ प्रोजेक्टाइल remains in air is known as time of flight, is known as time of, जितने समय तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहा उस समय को हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है बेटा, अब टाइम ऑफ फ्लाइट का हम डेरिवेशन करेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे डिराइव होता है। ठीक है, ओके क्या? यस सर। आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तिरछा विद इनिशियल वेलोसिटी यू। ठीक है, ऑब्जेक्ट को है ना, ऑब्जेक्ट वापस से आया ग्राउंड में। ठीक है, जब आपने फेंका इस जगह को क्या बोलते हैं, जहाँ से फेंकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा जब यहाँ पर होगा तो जीरो जीरो। अब यहाँ से आया ग्राउंड में, यहाँ आया, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? आर। एक्स को तो आगे रखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट कितना? आर। वाई कितना? जीरो। क्यों? क्योंकि कोई हाइट नहीं है। जब तक हाइट पे रहेगा तब तक वाई कोऑर्डिनेट होगा। जैसे ही ग्राउंड पे पहुंचा वाई कोऑर्डिनेट जीरो और जेड को जीरो है। तो टी टाइम में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं? टी टाइम में ऑब्जेक्ट का या प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है आर और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो। बोलो क्लियर है? यस सर। और वर्टिकल एक्सिस के लिए कुछ भी निकालना है तो हम क्या लगाते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन। बोलो क्लियर है? यस सर। अब टी टाइम के लिए वर्टिकल एक्सिस के लिए क्या लगाएंगे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लगाएंगे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बोलो? डिस्प्लेसमेंट। अपने केस में अपन कौन से एक्सिस के लिए लगा रहे हैं अपन सेकेंड इक्वेशन? वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस? तो ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ये इनिशियल वेलोसिटी होती है। अपने केस में कौन सी वेलोसिटी होगी? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। बोलो क्लियर? यस सर। ये टाइम क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। बोलो क्लियर? तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम के लिए अगर मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। क्या होगी? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। अब बोलो चलो इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मिलेगी। देखो इसके दो कॉम्पोनेंट, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट कितना? यू कॉस थीटा आई, और वर्टिकल कॉम्पोनेंट कितना? यू साइन थीटा जे। ये हो जाएगा वर्टिकल कॉम्पोनेंट। ये हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी? यू साइन। अभी जे इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं? टाइम। टाइम क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अपन मैग्नीट्यूड रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? यू साइन थीटा, स्मॉल टी जगह कैपिटल। बोलो क्लियर है? यस।
प्लस आएगा कि माइनस? माइनस क्यों आएगा? जी जी आएगा। बोलो क्लियर है? यस सर। माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। समझ में आया क्या? यस सर। पक्का? यस सर। क्योंकि बेटा डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है ये? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। टी टाइम में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो है ना। हॉरिजॉन्टल मोशन में कभी भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं क्या? नहीं। तो हॉरिजॉन्टल भाई टी टाइम में दो इवेंट हो रहे हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आर, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जीरो। तो अगर मैं पूछूं भाई टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट, तो सिर्फ किसकी बात होगी? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात हो रही? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्लियर है? यस सर। क्यों होगी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात? क्योंकि मैं यहाँ लगा रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ किससे एसोसिएटेड है? वर्टिकल एक्सिस से। किससे एसोसिएटेड है? वर्टिकल एक्सिस। बोलो क्लियर है? तो इसलिए अगर मैं बोलूँगा भाई डिस्प्लेसमेंट मतलब कौन सा डिस्प्लेसमेंट? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्लियर है? है ना। हम जब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए थे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए वी में v क्या था? फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। u का क्या था? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। और a क्या था? वर्टिकल एक्सेलरेशन, जो कि किसके बराबर होता है? जी के। बोलो क्लियर। तो हम जो भी लगा रहे हैं वो वर्टिकल एक्सिस से रिलेटेड है। अभी क्लियर हो? तो कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट? जीरो इज इक्वल टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी? u sin थीटा। टाइम किसके बराबर है? टाइम ऑफ फ्लाइट के टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्योंकि एक्सेलरेशन भी कौन सा होगा? वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो वैसे भी है नहीं। जो भी एक्सेलरेशन है कौन सी एक्सिस में? वर्टिकल एक्सिस। अब वो कितना है? जी। अभी क्लियर हुआ? तो यहाँ से बेटा क्या हो गया? ठीक है, तो यहाँ से हो गया जीरो इक्वल्स टू यू साइन थीटा, ये माइनस लेफ्ट साइड जाके प्लस हो जाएगा हाफ हाफ डी टी स्क्वायर। इधर क्या बचा? यू साइन थीटा टी। अब एक टी से ये टी कैंसिल होगा, इधर एक टी बचा, ये टू इधर जाएगा, जी नीचे आएगा। तो टाइम क्या हुआ बोलो? टू यू साइन थीटा बाय जी का आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, टू यू साइन थीटा बाय जी। देख लो समझ आया क्या? यस सर। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज टू यू साइन थीटा बाय। अब यहाँ कोई आई और जे और के नहीं आएगा क्योंकि टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, ठीक है। इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अपन बोलेंगे यू एक्स, जो हो जाता है यू कॉस थीटा, और मैग्नीट्यूड होगा है ना, और डायरेक्शन होगा आई के, है ना। और अगर इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड बोलूं, है ना, जिसको अपन यू एक्स भी बोल सकते हैं, इट विल बी यू कॉस थीटा। वैसे ही वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई इज यू साइन थीटा, और अगर वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड बोलूं इसको करेंगे, इट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या है देखो, टू यू साइन थीटा बाय, यहाँ पर यू साइन थीटा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, जिसको अपन यू वाई भी बोल सकते हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ टू यू साइन थीटा की जगह यू वाई बाय, इसको भी ऐसा भी लिख सकते हो। टाइम ऑफ फ्लाइट इज टू यू साइन थीटा बाय जी और टू यू वाई बाय क्लियर है बेटा? समझ में आ रही है?
टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड कर रहा है? दो चीज़ों पे, एक तो यू साइन थीटा पे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट पे, और दूसरा जी पे। जी होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा? बोलो भैया, इसमें अपन फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे P प्रोपोर्शनल टू यू वाई, मतलब यू साइन थीटा बड़ा होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज़्यादा होगा। सेकेंड, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, इनवर्स रिलेशन है कि नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में जी है ना। अगर आप अर्थ में किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम रखते हैं, सेम वेलोसिटी से फेंकते हैं, थीटा भी सेम रखते हैं है ना, और उसी ऑब्जेक्ट को आप मून में फेंकोगे, सेम ऑब्जेक्ट है, सेम वेलोसिटी से फेंको, सेम एंगल से, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा कहाँ पर होगा? जहाँ ग्रेविटी कम होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन, ग्रेविटी कहाँ कम है? मून में, तो मून में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। पक्का? यस सर। ये दोनों नॉन पॉइंट लिख लो बेटा, ये ऑब्जेक्टिव में काम आ सकते हैं आप लोगों के, ठीक है? जिसका यू साइन थीटा ज्यादा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा, जहाँ जी का वहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा। बोलो क्लियर है? अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट पता है तो आप ऑब्जेक्ट का क्या निकाल सकते हो? टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये इसमें टू यू साइन थीटा में यू क्या है बोलो? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या इनिशियल स्पीड, और थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। चलो क्वेश्चन करेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 120 मीटर पर सेकेंड, 120 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड स्टॉप 5 minutes टाइम ऑफ फ्लाइट, Find its time of flight. Bracket opening is small g equals to 10 meter per second square. Shall we write it? बेटा क्लियर है?
क्वेश्चन देखेंगे, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन of a projectile is u equals to 60i plus 40j meter per second. Full stop. Find time of flight. Full stop. Take i cap along the ground and j cap along the vertical. J cap along the vertical. Bracket में लिख लेना g equals to 10 meter per second square. G equals to 10 meter per second square. चलिए बेटा बनाएंगे. देखो तुम लोगों को मैं बताया था ना इनिशियल वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, बोलो इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है. इनिशियल वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा सी. ऐसे लिखते हैं कि यस सर. ये कौन सा लिखते हैं बोलो, यू एक्स आई प्लस यू वाई. अब आप क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि भाई x एक्सिस क्या है, i कैप मतलब अलाउंग द ग्राउंड है, i कैप कहाँ का डायरेक्शन बता रहा है ग्राउंड का, और j कैप कहाँ का बता रहा है वर्टिकल का. ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस की वेलोसिटी को अपन u y से डिनोट करते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस की वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, u x से. अब इससे कंपेयर करो, ये दिया ना आपको इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, u x i u y बोलो क्लियर है. तो यू एक्स कितना है 60 मीटर पर सेकेंड और यू वाई कितना है 40 मीटर पर सेकेंड. बोलो क्लियर है. टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin θ / g या बोलो 2u y / g. ये तो ना ओके, यू वाई तो दिया आपने, तो यू एक्स 60 है, यू वाई कितना है 40. ऐसे तो देता है ना इनिशियल वेलोसिटी के लिए अपन ने अलग से काट लिखा है कि नहीं लास्ट क्लास में इनिशियल वेलोसिटी के बारे में अलग से. तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना जाएगा 2, यू आई कितना है बोलो 40 और जी कितना ले रहा है 10. कैंसिल होगा कितना आएगा. बोलो क्लियर है, समझ में आया पक्का. इनिशियल वेलोसिटी मैंने लिख के बताया था बेटा लास्ट क्लास में. देखो पहले कॉपी खोलो आप लोग, इनिशियल वेलोसिटी देखो कैसे लिखते हैं. मैंने आपको सिखाया था लिखना इनिशियल का क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट. अब हम नेक्स्ट देखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, आप देखेंगे मैक्सिमम हाइट. ब्रैकेट डालेंगे आप लोग मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल वेट, हॉरिजॉन्टल वेट डिनोटेड बाय कैपिटल आर. ठीक है, देखो आपने थ्रो किया प्रोजेक्टाइल को विद वेलोसिटी यू, प्रोजेक्टाइल गया ग्राउंड में
ठीक है। लेकिन प्रोजेक्टाइल का पाथ है, जो पाथ फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल या कोई भी ऑब्जेक्ट, उसके शेप को क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री है पैराबोला। अगर मान लो प्रोजेक्टाइल यहाँ पर है तो कुछ ना कुछ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ ना कुछ हाइट होगी और कुछ ना कुछ आगे बढ़ा होगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन क्या ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है क्या? नहीं। ये तो एक किसी इंस्टेंट में आपने फोटो खींचा है, ये उसकी बात करें, ये और भी तो आगे बढ़ेगा, ये यहाँ पहुँचा। तो देखो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो गया और हॉरिजॉन्टल भी क्या हो गया? चेंज हो गया। लेकिन क्या ये मैक्सिमम है क्या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट? नहीं, और आगे बढ़ेगा। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और ज़्यादा आएगा और जब अल्टीमेटली ग्राउंड में गिरेगा तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। सो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज इट्स रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, इट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्लियर है बेटा? इससे आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर आकर रुक जाए। सो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और ये इवेंट जो हो रहा है कितने टाइम में हो रहा है? कैपिटल टी टाइम में, जिसका अपन क्या बोलते हैं? ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन से वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी? हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपको कुछ भी फाइंड करना है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाएंगे। जैसे अगर मुझे एक्स वन फाइंड करना था तो मैं, है ना, मान लो टी टाइम में ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा है तो उसका x कोऑर्डिनेट है x1, मतलब उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है? x1 है। तो x1 कैसे निकालेंगे हम, याद करो, ux into t, ये देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी into टाइम, ठीक है कि नहीं? यस सर। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमने क्या लगाया था? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं। यस सर। तो वैसे ही रेंज भी तो एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, उसको निकालने के लिए भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। बस यहाँ टाइम की जगह क्या लिखेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि रेंज होने में कितना टाइम लगेगा? कैपिटल टी। रेंज के बराबर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होने में कितना टाइम लगेगा? कैपिटल टी। बोलो क्लियर है? यस सर। तो मैं यहाँ लिखूंगा आर इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, लिखूंगा आर इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। बोलो क्लियर है? हो गया थीटा, कुछ और बताए इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बना लीजिए। आपकी दो वेलोसिटी से थीटा एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, ये थीटा इधर इस मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे रे, है ना। ये इसका क्या है? यू एक्स। यू एक्स क्या होगा? यू कॉस। अभी वैसे क्या लिख रहा हूँ? मैग्नीट्यूड। और वैसे यू वाई क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा। वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ये यू कॉस थीटा, अगर मैं पूछूंगा कि भाई यहाँ पर कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो आप क्या बोलोगे? यू कॉस थीटा। इसमें कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर कितनी है तो भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप इसको ऐसा भी इमेजिन करो, मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में कि प्रोजेक्टाइल मोशन को आप दो इंडिपेंडेंट मोशन में डिवाइड कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरा वर्टिकल मोशन, ठीक है। अगर मैं इसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन देखूँ तो मैं ऐसा इमेजिन कर सकता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट को मैं ऐसा फेंक रहा हूँ हॉरिजॉन्टली विद इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, और ऑब्जेक्ट लगातार इसी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, और टी टाइम के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? आर के बराबर कितना हो रहा है? बोलो क्या है? यस सर। है ना, मुझे हॉरिजॉन्टल मोशन से रिलेटेड कुछ भी चीज निकालना है तो मैं हॉरिजॉन्टल मोशन को सेपरेटली डील करूँगा। तो मैं हॉरिजॉन्टल मोशन को ही अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि
मुझे u sin थीटा नहीं दिखेगा, फिर मुझे दिखेगा एक ऑब्जेक्ट को मैं हॉरिजॉन्टली देखा हूँ विद इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा जो कि कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट लगातार हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ रहा है और अल्टीमेटली t टाइम के बाद उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है r, बोलो क्लियर। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा r इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, क्लियर। यू एक्स तो अपनी जगह है, टी क्या आ जाएगा टू यू साइन थीटा बाय जी, यू एक्स की जगह अपन यू कॉस थीटा भी लिखेंगे, ठीक है। चलो अभी अगर यू एक्स लिखे तो इसको यू आई लिख देते, होगा क्या बोलो? तो रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया टू यू एक्स यू आई बाय क्लियर है क्या? तो रेंज का एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आ गया बेटा यहाँ से टू यू एक्स यू आई बाय टू यू एक्स यू आई बाय, कैसे आया समझ में आया क्या? will be 2 beta clear will be 2 ux uy by g to range ka formula aa raha hai beta dekho 2 ux initial velocity ka horizontal component uy kya hai initial velocity ka vertical component ux pata hai uy pata hai to aap kya nikal sakte ho range aage badhe yes sir तो रेंज का फॉर्मूला आ गया टू यू एस यू वाई, ये वाला फार्मूला तो आप नोट कर लो। अब इसी को अपन और मॉडिफाई करेंगे, टू यू एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ यू कॉस थीटा, यू वाई की जगह यू साइन थीटा बाय जी, रेंज हो जाता है टू ये भी u है ये भी u है, u into u क्या हो जाएगा u square, फिर 2 लिखा फिर sin थीटा फिर cos थीटा, सारी चीजें लिख दिया yes sir भाई, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, क्या होता है sin 2 थीटा, बोलो क्लियर है, 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। तो अपन यहां पर रेंज लिख सकते हैं u स्क्वायर और 2 sin थीटा cos थीटा की जगह sin 2 थीटा बाय जी, बोलो क्लियर है यस सर। रेंज का एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया बेटा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी, बोलो क्लियर है यस सर। रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी, आप लोग चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि भाई sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos, बोलो क्लियर है ठीक है। तो रेंज का दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का यूज होता है ठीक है। पहले वाले का भी यूज होगा 2 ux uy by g और दूसरे वाले का भी यूज होगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या दिया है। अगर आपको यू एक्स दिया है यू वाई दिया है तो आप ये लगाओगे, अगर आपको यू दिया है और थीटा दिया तो फिर आप ये फॉर्मूला लगा, क्लियर बेटा क्लियर है। तो इस तरह से आप रेंज निकाल सकते हैं। अब रेंज मैक्सिमम करोगे जब साइन टू थीटा क्या होगा मैक्सिमम, भाई देखो यू बढ़ाओगे तो रेंज भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा तो है ही, लेकिन अगर यू को कांस्टेंट रखा जाए और जी को भी क्या रखा जाए कांस्टेंट, तो रेंज किस पे डिपेंड करेगा साइन टू थीटा पे, किस पे डिपेंड करेगा साइन टू थीटा। आपको मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा कि भाई नहीं आप 40 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा की स्पीड से नहीं फेंक सकते, जैसे जेवलिन थ्रो करते हैं ना, मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा कि भाई आप इससे ज़्यादा थ्रो नहीं कर सकते क्योंकि 40 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम लिमिट है। अब आपको फेंकना तो सबसे दूर है तो आप 40 से तो फेंकोगे, अब स्पीड से मैक्सिमम रखोगे, अब दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा चालाकी, मतलब आपको थीटा को एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि रेंज क्या है मैक्सिमम, बोलो क्लियर। तो दो प्लेयर हैं दोनों 40 मीटर पर सेकेंड से फेंकेंगे तो जिसका साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा उसका रेंज क्या होगा, बोलो क्लियर। तो
साइन जो भी एंगल हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है 1, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है 1, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1 बोलो क्लियर यस सर तो 2 थीटा एक एंगल ही है इसको मान लो अल्फा तो साइन अल्फा मैक्सिमम होगा तो रेंज भी क्या होगा मैक्सिमम अपन 2 थीटा को क्या बोले अल्फा तो साइन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 वही तो लिखा हूँ मैं साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 दिस इज मैक्सिमम वैल्यू बोलो क्लियर yes. और ये कब होगा जब अल्फा कितना होगा 90 अल्फा कितना होगा 90 और यहाँ पर अपन अल्फा किसको बोले 2 थीटा को तो जब 2 थीटा 90 होगा तो साइन 2 थीटा क्या होगा 1 और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी तो जब 2 थीटा 90 है तो थीटा कितना होगा 90 / 2 दैट इज 5 बोलो क्लियर इसका मतलब अगर रेंज को मैक्सिमम करना है रेंज मैक्सिमम चाहिए तो कितने एंगल में फेंकना पड़ेगा 45 डिग्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद है कि अगर आपको रेंज मैक्सिमम फेंकना है तो आपको थीटा क्या लेना पड़ेगा 45 डिग्री मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम For a particular speed, range will be maximum. When sine 2 theta, range will be maximum when sine 2 theta equals to 1, range will be maximum when sine 2 theta equals to 1, or 2 theta equals to 90 degree, or theta equals to बोलो क्लियर है यस सर देखेंगे दैट इज फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री रेंज मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी जब थीटा होगा 45 लेकिन फॉर अ पर्टिकुलर स्पीड एक फिक्स स्पीड की बात करें है ना बोलो क्लियर है यस सर और उस मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या होगी तो लिखेंगे आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय बोलो आर मैक्स कितना हो जाएगा साइन टू थीटा तो 1 हो गया ना रेंज का फॉर्मूला क्या है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी अब साइन टू थीटा क्या होगा 1 बोलो क्लियर तो रेंज क्या होगी मैक्सिमम और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी होगी यू स्क्वायर बाय ठीक है तो अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड पता है आपको और जी पता है तो आप उसकी क्या निकाल सकते हो मैक्सिमम देखो रेंज का फॉर्मूला आ रहा है यू स्क्वायर साइन टू थीटा 45 बाई जी 45 इंटू टू 90 साइन 90 हो गया 1 बचा क्या यू स्क्वायर बाय क्लियर है यस सर तो ये भी फॉर्मूला ध्यान रखने के लिए मैक्सिमम रेंज का आगे बढ़े यस सर अब एक ऑब्जेक्ट को आपने फेंका किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से और वो हिट किया टारगेट को इधर कितने एंगल में फेंका एंगल लेकिन मान लो मतलब कायदे से इसको हिट कर देना चाहिए रेंज कितना आना चाहिए आर यू वेलोसिटी से फेंकोगे थीटा से फेंकोगे तो रेंज आर मिल जाएगी लेकिन मान लो बीच में कोई बड़ी सी बिल्डिंग आ रही है पहाड़ वहाड़ आ गया तो फिर अब टारगेट हिट नहीं हो पाएगा
तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर सेम वेलोसिटी से फेंकना है और हिट करना है तो दूसरा क्या कोई ऐसा एंगल है क्या पॉसिबल एंगल, तो दूसरा पॉसिबल एंगल होता है 90 माइनस थीटा। कौन सा एंगल? 90 माइनस थीटा। तो चाहे थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो, इनिशियल वेलोसिटी अगर सेम है तो रेंज क्या आएगी? सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा, दो एंगल के लिए, एक थीटा और दूसरा 90 माइनस। जैसे अगर थीटा मान लो 15 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना होगा? 90 माइनस 15 थीटा 75। तो 15 और 75 के लिए रेंज क्या मिलेगी? सेम। समझ में आ रहा है? क्लियर? फॉर टू एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा रेंज विल बी सेम। हाँ, कंडीशन क्या है कि यू क्या होना चाहिए? सेम। तो दूसरा एंगल आपने फेंका कितना? 90 माइनस थीटा से फेंका दूसरा एंगल, तो फिर आपको ये मिली रेंज सेम। रेंज क्या मिलेगी? सेम। तो दो ऑप्शन रहेगा बेटा अपने पास, सेम वेलोसिटी से फेंकना है तो दो ऑप्शन में सेम टारगेट को हिट कर सकते हो, एक एंगल है थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। यस सर। तो अगर एक 30 है तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस 30 दैट इज 60। तो 30 और 60 के लिए रेंज क्या मिलेगी? सेम। समझ में आ रहा है? यस सर। तो नोट कर लीजिए, फॉर अ पर्टिकुलर स्पीड है ना, स्पीड सेम रखना है, फॉर अ पर्टिकुलर स्पीड। बेटा ये नीट में कई बार पूछ चुका है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर अ पर्टिकुलर स्पीड रेंज विल बी सेम फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज थीटा डिग्री एंड 90 माइनस थीटा। बोलो क्लियर है? थीटा डिग्री एंड 90 माइनस, बट फॉर अ पर्टिकुलर स्पीड, स्पीड को कांस्टेंट रखेंगे तो दो एंगल मिलेंगे तो सेम रेंज मिल सकती है, वन इज थीटा एंड अनदर इज 90 माइनस थीटा। बोलो क्लियर है? यस सर। अच्छा 90 कब लगाओगे जब थीटा किस में दिया होगा? डिग्री में। अगर रेडियन में दिया होगा तो 90 इधर, मान लो थीटा रेडियन में दिया है तो दूसरा एंगल भी रेडियन में निकालो तो 90 इधर क्या लिखोगे? पाई बाई टू माइनस थीटा। बोलो क्लियर है? अगर थीटा डिग्री में दिया तो थीटा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि डिग्री में तो 90 ही रहेगा लेकिन रेडियन में 90 डिग्री 90 नहीं होता है, रेडियन में क्या होगा? पाई बाई टू। तो थीटा एंड पाई बाई टू माइनस थीटा, लेकिन इसमें जब ऐसा कब करोगे जब थीटा किसमें होगा? रेडियन में। बोलो क्लियर है? यस सर। बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। चलो क्वेश्चन लिखेंगे। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन with a speed of 150 meter per second at an angle of 15 degrees with the ground phi x horizontal range, phi x horizontal range इसी को लिखेंगे कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड लिखोगे बेटा phi में, पहला कर लो इसको फर्स्ट, x horizontal range, सेकेंड लिख लो इट्स मैक्सिमम रेंज, इट्स मैक्सिमम रेंज दोनों फाइंड करोगे। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द ग्राउंड, फाइंड फर्स्ट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज, सेकेंड इट्स मैक्सिमम रेंज।
चलो देखो प्रोजेक्ट टाइल को कितने स्पीड से थ्रो कर रहे हैं, 150 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा स्पीड है। कितने एंगल पे फेंक रहे हैं, 15 डिग्री विद द ग्राउंड, क्लियर दिया है एट एन एंगल ऑफ, तो ये क्या हो गया 15 डिग्री, क्या हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अपने को यूएक्स यूआई ऐसा नहीं दिया है, सीधा सीधा यू दिया है और थीटा दिया है, तो रेंज का कौन सा फॉर्मूला अप्रोप्रिएट रहेगा, यूएक्स यूआई बाई जी वाला या यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी वाला, साइन टू थीटा बाई जी वो अप्रोप्रिएट रहेगा ना। तो रेंज का फॉर्मूला जो हमको लगाना चाहिए वो रहेगा यू स्क्वायर, क्योंकि यू पता है इनिशियल स्पीड, साइन टू थीटा बाई, बोलो क्लियर है ये जगह का फॉर्मूला है। तो यहाँ से रेंज कितना है बेटा, यू कितना है बोलो, 150, तो यू स्क्वायर में 150 इंटू 150 साइन टू थीटा, थीटा कितना है 15, तो टू थीटा कितना हो जाएगा 30 बाय जी, जी कितना हो जाएगा यही है लिखा है ना 10 है, तो क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहा है सर, आ गया था मेरा 5.25। चल गुड, फॉर्मूला यही था ना, गुड ठीक है, दिमाग पर बादाम खा रहे क्या, थोड़ा सा टफ चैलेंज ले रहे ना, अच्छी बात है देखो 9.8 ही अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन में जब भी बोलेगा बेटा जी को तो अपने को 10 अगर बोला है तो 10 ले लो सीधा, क्योंकि वो डेटा उस हिसाब से ही देगा है ना, और 9.8 ले जब लोगे ना, मतलब जब कुछ नहीं बोलेगा तो उस समय ऐसा डेटा देगा जो 9.8 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये 150 × 15 क्योंकि एक जीरो कैंसिल हो गया, और साइन 30 का कितना हो गया 1/2 हो गया, तो यहाँ से रेंज आ जाएगी देखो 150 × 2 ठीक है, अब रेंज एक डिस्टेंस है तो यूनिट क्या हो जाएगी मीटर, तो आंसर आएगा है ना, तो जब थीटा 15 डिग्री होगा तो रेंज आएगी 1.25 मीटर, ये पहला आंसर किसका सही था बोलो, ठीक है गुड, आगे बढ़ो, सबको आया समझ में, अब दूसरा पूछ रहा है बेटा आपसे मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज पूछ रहा है मतलब अधिकतम कितनी रेंज फाइंड कर सकते हो इस स्पीड से, जब इस स्पीड से थ्रो करोगे तो मैक्सिमम रेंज कितनी मिल सकती है बोलो क्लियर, तो भाई स्पीड आपकी फिक्स हो गई, अब रेंज मैक्सिमम करने के लिए थीटा को एडजस्ट करना पड़ेगा है ना, तो रेंज मैक्सिमम कब मिलती जब थीटा कितना होता है 45 ठीक है, अब अपन को चाहिए मैक्सिमम रेंज है ना, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा होगा 45, फॉर्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर बाय जी, क्योंकि साइन टू थीटा कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर बाय जी, क्लियर है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए ध्यान रखोगे बेटा मैक्सिमम रेंज बोल रहा है मतलब थीटा क्या लेना है 45, क्लियर है, चलो यू कितना है बोलो 150, यू स्क्वायर है 150 × 150 बाई जी, जी कितना ले लेंगे, ये आ जाएगा 150 × 50, देखो 75 × 50 और इधर 150 × 50 मतलब ये डबल ही हो रहा है, तो 1125 का क्या हो जाएगा डबल, कितना आ जाएगा 2250 ये आगे तारीख के लोगों क्या नाम बता, ठीक है, तो
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज u equals to 60i plus 80j meter per second. So find horizontal range. Bracket mein small g ho jayega 10 meter per second. चलिए बनाएंगे। ये आपको दिया वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब इनिशियल वेलोसिटी 60i प्लस 80j। कुछ भी लिया मतलब इसको अपन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मानेंगे, इसको वर्टिकल। तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा यू एक्स आई प्लस यू वाई, ऐसे लिखते हैं। कंपेयर करो तो यू एक्स कितना है 60, यू वाई कितना है 80, और चाहिए रेंज तो कौन सा फॉर्मूला सूटेबल होगा, 2ux uy by g। ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा तो रेंज विल बी 2ux uy by g। यहाँ से रेंज आ जाएगा 2ux हो जाएगा 60, uy दिया है 80, g को लेंगे 10, 0 कैंसिल होगा, रेंज कितना है बेटा 480 into 2 हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट देखा, हॉरिजॉन्टल रेंज देखा, अब हम देखेंगे थर्ड मैक्सिमम हाइट। देखेंगे नेक्स्ट मैक्सिमम हाइट। बेटा लिख दिया आप लोग? यस सर। मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम रेंज, ये दो अलग अलग चीज है। रेंज है क्या, एक मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, है ना। तो रेंज में भी मैक्सिमम रेंज कब होगी, जब थीटा कितना होगा 45।
ठीक है, तो रेंज बोलेगा तो कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम रेंज जो बोलेगा तो थीटा कितना लेना हमेशा 45। बोलो क्लियर है। अब हाइट के लिए मैक्सिमम हाइट ही वर्ड है, ऐसा नहीं कि हाइट और मैक्सिमम हाइट नहीं, सिर्फ क्या वर्ड है मैक्सिमम। मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल जब पहुंचता है तो मैक्सिमम हाइट की खासियत क्या है कि मैक्सिमम हाइट में पहुंचते ही उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, क्योंकि वो ऊपर तब तक जाता है जब तक उसके पास क्या है वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। जैसे ही वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा उसके बाद से वो नीचे आना चालू होगा, ठीक है। तो एट मैक्सिमम हाइट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स जीरो। बोलो क्लियर है, ये की पॉइंट है। पहले अपन मैक्सिमम हाइट का डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैक्सिमम देखो बेटा, इधर यहाँ पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट है y1, लेकिन क्या ये मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है क्या? नहीं, और ऊपर जाएगा। यहाँ पहुंचा तो y2, ये भी लेकिन मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और ऊपर जाएगा। यहाँ पहुंचा, इसके बाद फिर नीचे आना चालू होगा। तो ये जो हाइट है इट इज मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद तो फिर नीचे ही आएगा। तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज मैक्सिमम हाइट। बोलो क्लियर है? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। पक्का? यस सर। बेटा देखो, वाई वन भी एक डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं है क्योंकि इससे ज्यादा और ऊपर जाएगा हाइट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हाइट ही होता है दोनों में। क्या ये मैक्सिमम हाइट होगी क्या? नहीं, क्योंकि और ऊपर जाएगा। क्या ये मैक्सिमम हाइट होगी क्या? नहीं, और ऊपर जाएगा। इससे ज्यादा ऊपर जा सकता है क्या? नहीं। ये क्या मैक्सिमम हाइट है? दैट इज मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज मैक्सिमम हाइट। बोलो क्लियर? यस सर। लिखेंगे मैक्सिमम हाइट इज, इट इज मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इट इज मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, इट इज मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। यहाँ दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को रेंज बोलते हैं और मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे? At maximum height ui equals to 0, तो लिखेंगे at maximum height, ये हमारा की कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करके हम मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी बोलो बेटा क्लियर है यहाँ पर हो क्या रहा है? देखो आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया विद वेलोसिटी u, प्रोजेक्टाइल नीचे आया ग्राउंड में वापस, ये इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट है क्या है y कंपोनेंट। यहां पर पहुंचूंगा इस पॉइंट पर a पे, तो यहां पर वेलोसिटी मान लो v, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा vx, जो कि किसके बराबर होगा ux, और इसका y कंपोनेंट क्या होगा vy, ठीक है, vy ज्यादा होगा कि uy, uy ज्यादा होगा क्योंकि ये ऊपर जा रहा है,
ऊपर जा रहा है तो वर्टिकल वेलोसिटी को कौन अपोज करेगा? ग्रेविटी। वर्टिकल वेलोसिटी के कारण वर्टिकल वेलोसिटी बॉडी को कहाँ ले जाना चाह रही? ऊपर। ग्रेविटी कहाँ लग रही? नीचे। वेलोसिटी लग रही ऊपर, ग्रेविटी लग रही नीचे। ग्रेविटी मोशन को क्या करेगी? अपोज। तो ऊपर जाते समय लगातार वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज होगा। क्या होगा? यहाँ पर इस पॉइंट में भी देखोगे नेट वेलोसिटी, मान लो यहाँ पर वी डैश, तो ये होगी वी एक्स डैश जो कि यू एक्स के बराबर होगी, और इधर होगी वी वाई डैश, तो सबसे ज्यादा होगी यू वाई, फिर उससे कम वी वाई, फिर उससे कम वी वाई डैश। लगातार वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती जाएगी? कम। एट हाईएस्ट पॉइंट नेट वेलोसिटी विल बी हॉरिजॉन्टल, नेट वेलोसिटी विल बी हॉरिजॉन्टल, दैट इज यू एक्स, क्योंकि यू वी वाई कितनी हो गई है? जीरो। यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट में वी वाई कितनी हो गई? जीरो। एक ही वेलोसिटी कौन सी? हॉरिजॉन्टल। वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट बच गया, कौन सा? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गए, बोलो क्लियर? तो अगर मैं पूछूं हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी बताओ तो यू एक्स, कितनी? समझ में आ रहा है? वी वाई क्या? जीरो। क्लियर है? पक्का? अब नीचे आ रहे हो, इस पॉइंट की वेलोसिटी में नेट वेलोसिटी भी है, इधर होगा एक्स कॉम्पोनेंट, क्योंकि टू डायमेंशनल है, तो इसके दो कॉम्पोनेंट किसके किसके बीच से जा रहा है? एक्स और निगेटिव वाई के, तो इसका एक कॉम्पोनेंट पॉजिटिव एक्स में होगा, दूसरा निगेटिव वाई, तो ये वी एक्स है जो कि यू एक्स के बराबर होगा, इधर हो गया वी वाई। अब ये वी वाई बढ़ रहा है, मतलब अब नीचे आते समय वर्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड, ठीक है? वर्टिकल कंपोनेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो नीचे आते समय वर्टिकल कंपोनेंट को ग्रेविटी क्या करेगी? सपोर्ट। तो जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगी वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ते जाएगा, क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। बोलो क्लियर? तो यहाँ पहुँचेगा तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा वी, और हॉरिजॉन्टल तो वही रहेगा लेकिन वर्टिकल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बोलो क्लियर? यहाँ पर वी बाई जीरो, यहाँ थोड़ा बढ़ा, यहाँ और ज़्यादा बढ़ेगा। बोलो क्लियर? यहाँ पर वी वाई मैक्सिमम कम हो रहा है जीरो, फिर बढ़ रहा है मैक्सिमम, तो अल्टीमेटली वर्टिकल कॉम्पोनेंट मैक्सिमम कहाँ पर है? ग्राउंड। कहाँ पर है? ग्राउंड। समझ में आ रहा है? तो खैर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट में वर्टिकल कॉम्पोनेंट जीरो है, आपने फेंका यू वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को, एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्टाइल पूछा पहुंचा मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम हाइट है। अब आप क्या करो, वर्टिकल मोशन को सेपरेटली डील करो, ठीक है? क्योंकि वर्टिकल एक्सिस के लिए कुछ भी लगाना है तो आपको वर्टिकल मोशन को सेपरेटली डील करना है, और आपको क्या यूज़ करना है? इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आप ऐसा इमेजिन करो, एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंक रहे हो विद इनिशियल वेलोसिटी यू वाई जो कि क्या है? यू साइन थीटा। भाई अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी देखूंगा तो मैं इनिशियल वेलोसिटी का सिर्फ वाई कंपोनेंट देखूंगा, क्योंकि मुझे अभी किससे मतलब है? सिर्फ वाई एक्सिस से। किससे मतलब है? भाई यू कॉस थीटा को तो देखूंगा अभी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा हूँ सीधा विद वेलोसिटी यू साइन थीटा, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, यू वाई की वैल्यू कम होते जा रही है, आई एस पॉइंट पे जाके जब इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एच के बराबर हो रहा है तब इसका वी वाई कितना जा रहा है? जीरो। बोलो क्लियर? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी पता है, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी भी पता है जीरो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी पता है कितना है? एच। बोलो क्लियर? यस सर। ठीक है, कौन सा इक्वेशन लगाना चाहिए? थर्ड इक्वेशन। यहाँ टाइम है क्या? नहीं। यहाँ फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है, तो कौन सा इक्वेशन लगेगा? फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी जो भी कितनी है? जीरो। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन मतलब g, डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दैट इज, और cos थीटा में cos, यहां cos थीटा भी रहता है, cos थीटा में cos 180, क्यों?
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, जी लग रहा है नीचे, बोलो क्लियर है। यहाँ से आ जाएगा जीरो इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर कॉस 180 के कारण यहाँ क्या जाएगा माइनस माइनस टू जी, समझ आया क्या? यस सर। ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो टू जी एच इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर, एच कितना रहेगा बोलो, यू वाई स्क्वायर बाय टू जी। नोट कर लेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, एच विल बी यू वाई स्क्वायर बाय, एच विल बी यू वाई स्क्वायर बाय, और यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा है कि नहीं? यहाँ से आगे बढ़े देखो, h is u y square by 2g, u y square, u y क्या है बोलो, u sin theta है, तो अपन और क्या लिख सकते हैं, h का फॉर्मूला u y square मतलब u sin theta का होल स्क्वायर, या फिर u square sin square theta by 2g, एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि अपन ने यू वाई की है ना, यू वाई का यू साइन थीटा की जगह तो अपन सब्स्टिट्यूट करें, यू वाई का स्क्वायर है इसका मतलब यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, यू का स्क्वायर यू स्क्वायर हो गया, साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर, बोलो क्लियर? यस सर। समझ में आ रहा है? तो हाइट का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, क्लियर है? यस सर। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, हो गया बेटा? फॉर्मूला कैसे आया डिराइव हुआ, क्लियर हो गया? यस सर। है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का समझ में आया, रेंज का भी और मैक्सिमम हाइट का, है ना, तीनों में से कई बार डेरिवेशन पूछ देता है स्कूल में कि डिराइव टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हम डिराइव कर सकते हैं। आगे बढ़े, यहाँ से हमको रेंज किस पे डिपेंड कर रहा है देखो, यू एक्स पे भी और यू आर, टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ यू आर और मैक्सिमम हाइट भी सिर्फ यू आर, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट की किस पे डिपेंड कर रही है, यू वाई, किस पे डिपेंड कर रही है, यू वाई, यू वाई, जबकि रेंज किस पे डिपेंड कर रही है, यू एक्स पे और यू वाई, ऑफ कोर्स जी तो है ही, लेकिन रेयर कंडीशन में जी को चेंज करने बोलता है, ज़्यादातर कंडीशन में या तो यू एक्स अलग होगा, दो ऑब्जेक्ट दे देगा बोलते हैं ना, दोनों का अगर यू वाई सेम होगा तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, यू वाई, अगर दो ऑब्जेक्ट का यू आई सेम होगा तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा, सेम, अब दो का यू आई सेम हो गया और जी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा तो जी को क्या मान लोगे, कॉन्स्टेंट, क्या मान लोगे, कॉन्स्टेंट, क्लियर है? तो भाई यू आई सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम है और मैक्सिमम हाइट भी सेम, क्योंकि दोनों का यू आई सेम है, लेकिन यू आई अगर सेम है तो जरूरी नहीं कि दोनों का यू एक्स भी क्या हो, सेम, जरूरी तो अपने को ये ध्यान रखना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट डिपेंड करेगा यू आई पे, दो ऑब्जेक्ट का यू आई सेम है, इनिशियल वर्टिकल अगर दो ऑब्जेक्ट की सेम है तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम आएगा और मैक्सिमम हाइट भी आएगी, क्लियर है बोलो? yes, पक्का yes, देख सकते हो आप लोग पी एम एच डिपेंड्स on u y, bracket में लिखने की u sin if two different objects have same
ui, सेम यू आई मीन्स दोनों की इनिशियल वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट क्या है सेम. इफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव सेम यू आई देन देयर देन देयर टी एंड एच विल ऑल्सो बी सेम. अगर दो ऑब्जेक्ट है दोनों का यू आई सेम है, दोनों का इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, ठीक है, तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट भी क्या होगा सेम. क्लियर है? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पहले निकालेंगे हम. टाइम ऑफ फ्लाइट में आपको ऑब्जेक्ट थ्रो करते हुए दिख रहा है, ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं कितनी स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल स्पीड है. लेकिन यहाँ पर एंगल दिया है वर्टिकल से, एंगल दिया है वर्टिकल, ग्राउंड है, ग्राउंड को अपन हॉरिजॉन्टल लेते हैं और एंगल जो आपको दिया है वो वर्टिकल से दिए, जो एंगल है ये कितना दिया आपको 60 डिग्री. 60 डिग्री आपको दिया वर्टिकल से एंगल, ठीक है, वर्टिकल से कितना एंगल है 60. अपन जो टाइम ऑफ फ्लाइट पे जो फॉर्मूला लिखते हैं या मैक्सिमम हाइट पे जो लिखते हैं उसमें थीटा जो होता है वो हॉरिजॉन्टल से होता है, तो हॉरिजॉन्टल से कितना आ जाएगा, अगर वर्टिकल से 60 है तो हॉरिजॉन्टल से कितना 90 - 60 दैट इज 30. एक्चुअल में थीटा है 30. बोलो क्लियर है? आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने वर्टिकल से दिया है. देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा, जो फॉर्मूला अपन जो लेते हैं वो हॉरिजॉन्टल के एंगल के लिए देते हैं और दिया अपने को जब वर्टिकल तो अपने को सीधा हॉरिजॉन्टल से निकालना पड़ेगा. आप इसको 60 को थीटा नहीं ले सकते क्योंकि थीटा किससे है, वर्टिकल से, तो आपको हॉरिजॉन्टल से देखो कितना एंगल है वही थीटा है, हॉरिजॉन्टल से कितना होगा 30. क्लियर है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो जाएगा 2u sin θ / g. ये क्लियर है? ये लगेगा 2u, u कितना है 20, sin थीटा sin 30 1/2 और डिवाइडेड बाय g में 10. 1 0 कैंसिल, 8 2 कैंसिल, 8 2 बचा, कितना आएगा, कितना आएगा, बोलो क्लियर है? यस सर. क्या आ गए थे? तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2 सेकेंड का. दीपाली आगे सेकेंड हमको चाहिए मैक्सिमम हाइट,
है ना, ये आ गया अपना फर्स्ट का आंसर, सॉल्यूशन चल रहा है ये भी फर्स्ट पर आगे। सेकेंड आपको चाहिए मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है यू आई स्क्वायर बाई टू जी या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। यू कितना बेटा इनिशियल स्पीड पे थी 20, यू स्क्वायर मीन्स 20 इंटू 20, साइन स्क्वायर थीटा मीन्स साइन थीटा इंटू साइन थीटा, दैट इज साइन 30 इंटू साइन 30। यही होगा यस सर। अपॉन जी में कितना है, अपॉन टू जी, टू इंटू जी, जी कितना है, ये होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, u स्क्वायर u इनटू u साइन स्क्वायर थीटा मीन साइन थीटा बाय 2 इनटू g, इसको कितना लेना है 10। बोलो क्लियर है यस सर। तो यहां से ये हो जाएगा बेटा हाइट का फार्मूला। चलो इसको सॉल्व कर लो, इधर 20 इंटू 20 और नीचे में भी 20 बनता है, 120 कैंसिल हो गया, ऊपर में 120 बचा इंटू, है ना, ये देखो 120 को अपन इससे कैंसिल कर दिए, क्लियर है। अब बचा 120 और साइन 30 इंटू साइन 30 1 बाय 2 इंटू अच्छा कितना आ जाएगा 5। ये आगे दे लो अपन को कर दो यस कर दो अनिका आ गया ना, प्रत्युष आ गया, इन सब करेंगे किसका किसका आ गया था, फर्स्ट वाले का आ गया था बेटा अपना, क्या नाम आपका, अर्पिता का, गुड। सुहाना, अर्पिता, इरम नहीं आया, अपूर्वा, आस्था, तुमको, अनि, इधर यश का आ गया था, प्रत्युष को, समझ में आया। सब हेडिंग डालेंगे आप लोग, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। पाथ, हर एक पाथ का एक इक्वेशन होता है, जैसे सर्कल है उसका इक्वेशन अलग होगा, पैराबोलिक पाथ है तो उसका इक्वेशन अलग होगा, अगर पाथ पैराबोलिक है तो उसका इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक, क्या होगा, क्वाड्रेटिक। बोलो क्लियर है, क्योंकि अपना पाथ अपन प्रोजेक्टर इन मोशन पढ़ रहे हैं, पाथ क्या है पैराबोलिक, तो जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आएगा वो क्या होगा पैराबोलिक, सॉरी वो इक्वेशन आएगा क्वाड्रेटिक, तो उस इक्वेशन को देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है इसका मतलब पाथ क्या होगा पैराबोलिक, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से होगा बेटा अपन इसको डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के, यू वेलोसिटी से थीटा एट एन एंगल थीटा रेंज आ रही है आर, किसी पॉइंट पर टी टाइम पर ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट है वाई और एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है वाई है वाई और जेड है जी, ठीक है। एक्स कैसे फाइंड करेंगे, एक्स के लिए कौन, और एक्स क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, एक्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट सीधा सीधा u cos थीटा इनटू t, ये करेंगे बस इक्वेशन। y कोऑर्डिनेट मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या हाइट, उसके लिए क्या लगाओगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन y हो जाएगा u y t माइनस हाफ होगा कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे। अब क्या करेंगे इक्वेशन वन से टी की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, टी की वैल्यू बोलो फ्रॉम इक्वेशन वन टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस, यही है
अब इस वैल्यू को अपन क्या रखेंगे, टू. सो पुटिंग इन पुटिंग वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन टू. अब अपन इस इक्वेशन में रखें तो वाई, तो वाई टू वाई, यू वाई की जगह मैं यू साइन थी का लिख दूं क्या? यू वाई मतलब क्या? यू साइन ये क्या है? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी दैट इज यू वाई या यू साइन थीटा. बोलो क्लियर? यस सर. मैं इसकी जगह लिख रहा हूं यू साइन थीटा. टी की जगह ये लिख रहा हूं पूरा एक्स बाय यू कॉस थीटा. बोलो क्लियर? यस सर. माइनस आर जी इस इक्वेशन को देख के हम डिसाइड करेंगे इसका पाथ क्या है. बोलो क्लियर? अब U और U कैंसर हो जाएगा, होगा कि U by U कैंसर, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा? टेन थीटा. ठीक है, आगे मॉडिफाई करेंगे यहाँ तक. अब देखो यहाँ पर U और U कैंसर हो गया ना, अब अगले स्टेप में बनाएंगे u sin थीटा by u cos थीटा, u कैंसिल बचा क्या? sin थीटा by cos थीटा into x, sin थीटा by cos थीटा को tan थीटा बन गया, x बचा कितना हो गया tan थीटा minus g x square upon 2 u square cos square थीटा. this is the formula for equation of trigonometry. तो याद रखना. yes sir. मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, मैं डायरेक्ट कैसे कर सकता हूं? तो याद रखना y equals to x tan theta minus g x square upon 2 u square cos square. From this equation it is clear that path of projectile is parabola. बोलो क्लियर है? Yes sir. तो अगर आपसे पूछे कि भाई प्रूफ दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, तो ये इक्वेशन प्रूफ कर दो. ठीक है, आगे बढ़े. यस सर. अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो एक और फॉर्मूला आता है बेटा. अभी मैं मॉडिफिकेशन में नहीं जा रहा हूँ, उसके डेरिवेशन में. ठीक है, ये वाला यहाँ तक याद रखोगे फिर अगला भी याद रखोगे. ठीक है, आगे बढ़ो. अच्छा, ये फॉर्मूला अपन यूज कब करेंगे? जब अपने को किसी इंस्टेंट में x पता होगा और y चाहिए होगा, तो y निकालना है, थीटा पता है और u पता है ना, थीटा पता है, u पता है, x पता है, तो अपने को क्या निकालना है? y. भाई प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुँचा, अपने को x पता है, y निकालो, तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. क्लियर है? अब इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है. एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया y equals to x tan theta minus g x square upon 2 u square cos square. ये फॉर्मूला हो गया. एक दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो y equals to x tan theta ब्रैकेट में 1 minus x by r. यहाँ पर r क्या है? हॉरिजॉन्टल बीम क्या है? दूसरे को भी यहाँ इस फॉर्मूले में ना अगर x tan थीटा कॉमन निकालोगे तो ये आ जाएगा.
डिराइव कर सकते हैं अपन, लेकिन जब भी जरूरत नहीं। ठीक है, x tan थीटा को कॉमन निकालोगे तो इसको भी x tan थीटा से डिवाइड करोगे और इसको भी x tan थीटा से डिवाइड करोगे। यहाँ पर tan थीटा की जगह sin थीटा बाई cos थीटा, एक cos थीटा कैंसिल होगा तो यहाँ पर रेंज का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों याद रखेंगे। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा भाई कि अपने को वैल्यू क्या दी जा रही है, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन बनाएंगे और उसके हिसाब से हम फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, आपको x चाहिए, आपको रेंज पता है, मतलब आपको x पता है, रेंज पता है, वाई चाहिए, ये फॉर्मूला लगाओगे, है ना। अब रेंज नहीं दिया, थीटा दिया है, यू दिया है, एक्स दिया और वाई चाहिए, तो ये फॉर्मूला लगाओगे। क्लियर है, दोनों को याद रखो। तो क्वेश्चन कर लेंगे इससे रिलेटेड दिया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन लिखिए बेटा, पढ़ो आगे। द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y equals to root 3x minus g x square by 2, root 3x minus g x square by 2, full stop. Find the angle of projection, find the angle of projection, find the angle of projection. First option is 30 degree, second option 60 degree, third option 45 degree, in the last case none. Only इसको अपन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, y is equal to इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये किसके जैसे है, y equals to x tan theta minus g x square upon 2 u square, ये इस इक्वेशन के जैसे दिख रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y is equal to x root 3 minus g x square by 2 ये दिया है। अब यहाँ पर x अपनी जगह है, tan theta की जगह कौन है, root 3, हम बोल सकते हैं tan theta is root 3, तो यहाँ पर आप लिखोगे सीधा सीधा tan theta बराबर root 3, और theta पर क्या, ये theta क्या, angle of projection, ये तो चाहिए ना फिर, हो गया बस आगे tan theta root 3 therefore, y को इसको इसमें था, y को इसको क्या था, root 3 x minus x square by, और उसका main equation क्या है, इसकी जैसे तो है y को इसको x tan theta,
और क्वेश्चन लिखेंगे। आगे बढ़ूं मैं? नेक्स्ट पेज। यस हो गया। यस एक और क्वेश्चन लिखेंगे। A project type is given and initial velocity. A project type is given and initial velocity of I cap plus 2 j cap meter per second. Where I cap is along ground. Well, I cap is along ground and J cap is along vertical. So stop. A small g equals to 10 meter per second square. Comma, then equation of trajectory is first option leaving y equals to x minus 5x square. Second option omega y equals to 2x minus 5x square. Third option omega 4y equals to 2x minus 5x square. And the last option is 4y equals to 2x minus 25x square. क्या रहेगा आंसर? सोच के बनाएंगे। चलिए तो अभी कोको मान निकाला है। देखो मेन इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर। ये बोलो कितने हैं अब, क्या क्या सब्स्टिट्यूटेड है बोलो। x अपनी जगह है, y अपनी जगह, x अपनी जगह y, लेकिन tan थीटा सब्स्टिट्यूटेड है। यस सर। वैसे ही g भी सब्स्टिट्यूटेड है। यस सर। x स्क्वायर अपनी जगह और u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा भी सब्स्टिट्यूटेड। बोलो क्या है? यस सर। तो मुझे क्या-क्या पता होना चाहिए? मुझे tan थीटा पता होना चाहिए, मुझे u cos थीटा पता होना चाहिए, क्योंकि u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा क्या है? u cos थीटा का होल स्क्वायर। तो u cos थीटा पता चल जाएगा तो मैं क्या निकाल सकता हूं? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। जी तो पता है क्या है। तो अब ये क्या दिया बेटा? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को अपन कैसे लिखते हैं? u cos थीटा i plus u sin थीटा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियल वेलोसिटी दी है i plus 2 j। अब आई है इसके सामने 1 है, मतलब u cos थीटा कितना हो गया? 1। और u sin थीटा बोलो 2। u sin थीटा कितना हो गया? बोलो क्लियर है? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? सर आगे बढ़े। अब देखो बेटा, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी u है तो ये इसका x कंपोनेंट होगा और ये क्या होगा? इसका और ये एंगल है। अगर मैं इसका ट्रायंगल डायग्राम बनाऊं तो ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी? us के मैग्नीट्यूड को। ये वाली लाइन u y के मैग्नीट्यूड, और ये हो गया थीटा।
टेन थीटा क्या हो जाएगा यू आई बाय ओवर टेन थीटा क्या हो जाएगा, मैंने पहले भी बताया नहीं कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकालोगे, यू आई पता है यू एक्स पता है, यू आई बाय यू एक्स पर करोगे तो क्या मिल जाएगा एंगल ऑफ, तो यहाँ से टेन थीटा आ गया हमारा यू आई बाय यू एक्स, ये वाला जो टेन थीटा है ये आ गया यू आई बाय यू एक्स, यू आई मतलब यू साइन थीटा और यू एक्स मतलब यू है ना, तभी तो यू यू कैंसिल होता है, टेन साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, क्योंकि ये टेन थीटा है तो उसको भी ओवरऑल क्या आना चाहिए टेन थीटा ही आना चाहिए। अब यू साइन थीटा कितना निकला है टू और यू कॉस थीटा कितना निकला है वन, तो टेन थीटा कितना निकल गया अपना टू बाय वन, मतलब कितना निकल गया टेन थीटा कितना निकल गया, समझ में आ गया पक्का क्लियर पक्का, तो टेन थीटा कितना निकल गया टू, ऐसा निकाले यू आई बाय यू एक्स, टेन थीटा में थीटा होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अपन ऐसे निकालते हैं यू आई बाय यू एक्स, टेन थीटा निकल गया टू, बस अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या होगा टेन थीटा अपने को पता है टू है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टिव में यू कॉस थीटा भी अपने को पता है कितना है वन, तो क्या लिखेंगे देखो y is equal to y cos x tan theta, tan theta की जगह 2, 2x minus g की जगह क्या लिखेंगे tan x square by 2 अपनी जगह पे u square cos square theta, u cos theta कितना है 1, उसका square भी कितना होगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा है ना, ये पूरा y के बराबर है, तो y equals to 2x minus 10 by 2 कितना हो गया 5x, ये क्या आ गया इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टिव, समझ में आया क्या पक्का, तो y equals to 2x minus, तो इस है ना इस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टिव आएगा y equals to 2x minus 5x, आप लोगों को किसका आ गया था हनी का आ गया था और किसी का आ गया क्या अपूर्व का, वेरी गुड, जैसे आप इसमें लिखेंगे सम मिसलेनियस पॉइंट्स, सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स, सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ठीक है सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स, स्पीड मैक्सिमम कहाँ होगी प्रोजेक्टाइल की स्पीड मैक्सिमम कहाँ होगी मैक्सिमम हाइट में, तो मिनिमम सबसे ज़्यादा कहाँ होगी क्योंकि देखो ओवरऑल जो प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी जो है वो किससे मिलके बनेगी बोलो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इससे मिलके बनती ना, किसी भी पॉइंट पर बोलूँगा कि भाई वेलोसिटी बताओ तो आप लिखोगे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस वर्टिकल, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई चेंज नहीं आएगा थ्रू आउट द मोशन, चेंज किस पे आ रहा है यू पर, वर्टिकल कंपोनेंट किस पे आ रहा है बोलोगे, वर्टिकल कंपोनेंट सबसे ज्यादा ग्राउंड में होता है, ऊपर उठोगे तो वर्टिकल कंपोनेंट कम होगा और कम होगा और कम होगा, हाईएस्ट पॉइंट में जीरो, फिर कम हो फिर बढ़ेगा हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस करके बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और जब वापस से ग्राउंड में आएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट ग्राउंड के बराबर हो जाएगा, जिस समय फेंके थे और वापस से जब ग्राउंड में आएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा सेम, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फेंकते समय वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर और यहाँ जब आ जाएगा तो नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी भी वही है वर्टिकल कंपोनेंट का डायरेक्शन पीछे, बोलो क्लियर, तो सबसे ज़्यादा स्पीड, अब क्योंकि भाई मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू आर एक्स, स्पीड मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यहाँ की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी क्यों क्योंकि यहाँ यू आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा, क्लियर है, तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर होगी ग्राउंड पे दो पोजीशन पे ए पे और बी पे, और मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी हाईएस्ट पॉइंट पे, कहाँ होगी क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट में वाई कॉम्पोनेंट गायब है
सबसे कम वैल्यू वाई कंपोनेंट की कहां पर है, हाईएस्ट पॉइंट में कितनी, जीरो, इसलिए कब सबसे कम स्पीड कहां पर है, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो हम तीन पॉइंट्स हैं वहां पर इस वेलोसिटी लिखना सीखेंगे, जिसमें से ये वाला पॉइंट में तो आप वेलोसिटी जानते हैं क्या होती है, ये जानते हैं कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो हम ये तीन पॉइंट्स में वेलोसिटी लिखना सीखेंगे, ठीक है। ये तीन पॉइंट्स क्या क्या है, मैंने देखा ग्राउंड से विथ वेलोसिटी यू एट एन एंगल थीटा, प्रोजेक्टाइल वापस से आया ग्राउंड में विथ वेलोसिटी बी, ये भी एंगल होगा थीटा, क्यों होगा बोलो। अपन ने पढ़ा था बेटा सेम लेवल पे स्पीड क्या होती है, सेम, जब अपन ने वर्टिकल मोशन पढ़ा था तो मैंने बताया था ना सेम लेवल पे स्पीड क्या होगी, सेम। अगर यहाँ की स्पीड u है तो यहाँ की भी स्पीड क्या होगी, u, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं, ये u cos थीटा ही होगा, होगा कि नहीं, यस सर। अगर ये u है और ये u cos थीटा होना है तो इसको थीटा ही होना पड़ेगा, बोलो क्लियर है, यस सर। तो यहाँ स्पीड अगर 100 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ की भी स्पीड कितनी होगी, भले मैं लिख रहा भी हूँ लेकिन इसका मैग्नीट्यूड यू यू के बराबर होगा, क्योंकि सेम लेवल पे स्पीड क्या होती है, सेम, बोलो क्लियर है। अगर ये भी यू है, ये भी यू है, ये यू कॉस थीटा है तो इसको भी क्या होना है, यू कॉस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में चेंज होगी, तो अगर इसको यू कॉस थीटा होना है तो इसको क्या होना पड़ेगा, बोलो क्लियर। तो ये यू है, ये थीटा है, वापस आया तो ये जो फाइनल वेलोसिटी टकराने के समय जो वेलोसिटी है ग्राउंड में वापस से, उसका मैग्नीट्यूड भी यू के ही बराबर होगा, ठीक है। हाँ लेकिन वेलोसिटी अलग अलग होगी, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऊपर है और इसका कहाँ है, नीचे, तो वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो अलग होगा, तो वेलोसिटी विल बी डिफरेंट बट स्पीड्स विल बी सेम, क्लियर। एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट जिसको मैं बोल रहा हूँ बी, और तीसरा पॉइंट है वापस से जब ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड में लैंड करेगा वाला पॉइंट है सी। हमको तीनों की वेलोसिटी लिखना आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले वेलोसिटी एट ए वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेलोसिटी एट ए बोलो मतलब ये कौन सी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, कैसे लिखते हो, यू कॉस थीटा आई प्लस u sin theta j, ऐसे लिखोगे, यस सर। चलो अब वेलोसिटी एट बी बोलो, u cos theta जीरो नहीं होगी बेटा, हाईएस्ट पॉइंट में सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचा, हॉरिजॉन्टल, जो कि पहले के जैसे, यस सर। तो वेलोसिटी एट बी विल बी इक्वल टू ux, दैट इज u cos theta, समझ में आ रहा है, यस सर। क्योंकि u y तो जीरो है, u भी विल बी वेलोसिटी एट बी विल बी u cos थीटा, समझ में आ रहा है, यस सर। व्हाट इज वेलोसिटी एट सी, अब इसको थोड़ा सा अपन स्टडी करते हैं कि इधर है वेलोसिटी एट सी, इसको देखो अगर इसका मैग्नीट्यूड u है, इसका स्पीड अगर u है तो इसका भी स्पीड कितना होगा, u होगा कि, यस सर। ये एंगल थीटा ना, ये लैंड करते समय ये भी एंगल कितना है, थीटा, तभी तो इसका भी इधर होगा u cos थीटा, और इसका भी ये वाली वेलोसिटी का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, u cos थीटा, बोलो क्लियर है, यस सर। फर्क किस में आ रहा है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा ऊपर की तरफ, अब भाई ये u है ये थीटा है तो इधर नीचे ले जाओगे, यस सर। ये वेलोसिटी इधर है, कौन कौन से एक्सिस के बीच में, पॉजिटिव एक्सिस है नेगेटिव है, इसका एक कंपोनेंट नीचे आएगा, yes, नीचे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड तो यू साइन थीटा रहेगा, yes, लेकिन ये माइनस ए रहेगा और ये क्या रहेगा, प्लस, बाकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों में आई, ये भी आई और ये भी आई, बोलो क्लियर है। अगर मैं लिखूं वेलोसिटी एट सी की वैल्यू, दिस इज वेलोसिटी एट सी, तो ये किससे किससे मिलके बना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज u cos थीटा i प्लस u sin थीटा माइनस j, ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी एट सी
will be u cos theta I plus u sin theta minus j. बोलो क्लियर है क्या? पक्का? Yes sir. ये माइनस इधर आ जाएगा. तो वेलोसिटी एट c मतलब जब वापस से ग्राउंड में आए तो वेलोसिटी कितनी आई? u cos theta plus into minus is minus sorry u cos theta के बाद i भी लिखना है. u cos theta i plus into minus u sin theta. समझ में आया क्या? बोलो. Yes sir. बेटा तो तीन वेलोसिटी हमको ध्यान रखना है. ये थर्ड हो गई. बोलो क्लियर है? इसका मतलब ये है अगर हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है तो हम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट निकाल सकते हैं. कॉस थीटा ही लिखना है बस, साइन थीटा हटाना है. और वेलोसिटी व्हेन प्रोजेक्टाइल अगेन रीच द ग्राउंड ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड में फेंकते समय और वापस से ग्राउंड में आते समय में एक ही डिफरेंस है प्लस और माइनस साइन का, बाकी सब सेम है. यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा जे, ये कब की वेलोसिटी है? जब ग्राउंड में फेंक रहे हो, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. और जब वापस ग्राउंड में आए तो वेलोसिटी यू कॉस थीटा आई माइनस यू साइन थीटा जे, यही तो डिफरेंस है ना? इधर प्लस और इधर माइनस. समझ में आ रहा है क्या? बाकी स्पीड अगर बोलूं तो दोनों केस में सेम आएगी. कैसे आएगी देखिए. स्पीड मतलब होता क्या? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है. मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बोलो? इसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी एट ए का मैग्नीट्यूड या बोलो स्पीड एट ए कैसे निकालते? टू डायमेंशनल वेक्टर है अंडर रूट यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. आई के सामने जो नंबर है उसको स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा. यस सर. यू स्क्वायर कॉमन आएगा दोनों से. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? वन. यू स्क्वायर इंटू वन इज यू स्क्वायर. यू स्क्वायर का रूट कितना आएगा? यू. अब ऐसे यहाँ की स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालो. वेलोसिटी एट सी का मैग्नीट्यूड या स्पीड एट सी अंडर रूट ऑफ आई के सामने जो नंबर है उसका स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस. अब भले ही माइनस है, माइनस का स्क्वायर भी क्या होगा? प्लस. यू स्क्वायर साइन स्क्वायर सेम आ रहा है. यू स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज वन. यू स्क्वायर इंटू वन इज यू स्क्वायर. यू स्क्वायर का रूट. इसलिए मैं बोल रहा था कि बेटा ग्राउंड में स्पीड की मैग्नीट्यूड क्या? सेम. ग्राउंड में स्पीड की मैग्नीट्यूड सेम. बोलो क्लियर है? जी. फेंकते समय वापस आते समय स्पीड वही है लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है ड्यू टू डिफरेंस इन डायरेक्शन. इसके वेलोसिटी में लिखूंगा तो ऐसा लिखूंगा यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा जे. इधर लिखूंगा यू कॉस थीटा आई माइनस यू साइन थीटा जे. वेलोसिटी में डिफरेंस आ रहा है ड्यू टू डिफरेंस इन डायरेक्शन. बट अगर यहाँ की स्पीड यू है तो यहाँ की भी क्या होगी? यू. बोलो क्लियर है? yes, और यहाँ की कितनी होगी स्पीड? यू कॉस थीटा. यहाँ की स्पीड कितनी होगी? यू कॉस. क्यों? क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी वन डायमेंशनल है. वन डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आसान है. आई केप को हटा दो जो भी बचा वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन पर डाल दो जो भी बचा वो मैग्नीट्यूड. तो यहाँ की स्पीड मतलब यहाँ की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? यू कॉस थीटा. यहाँ का यू, यहाँ का यू. समझ में आ रही है? ठीक है. तो इस तरह से आपको ये लिखना आना चाहिए बेटा. अब जो नीट में आया है क्वेश्चन वो मैं बता दे रहा हूँ आपको. अच्छा एक एग्जांपल से ही कर लेते हैं पहले. भाई आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका यू ए, दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. ये पहुंचा हाईएस्ट पॉइंट में. हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी यू बी और ये वापस से आया ग्राउंड में. ग्राउंड की वेलोसिटी यू. अब यू ए आपको दिया है 100 आई प्लस 200 आई इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड जे इज अलोंग वाई एक्सिस. आई इज अलोंग द ग्राउंड एंड जे इज अलोंग द वर्टिकल. फाइंड यू बी एंड
यूसी, चलिए बताइए क्या होगा यूबी और यूसी क्या होगा। यूबी मतलब हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी और यूसी मतलब जब वापस से ग्राउंड में आए तब की वेलोसिटी। बोलो क्या होगा बेटा यूबी एंड यूसी, बोलिए। 100 आई और यूसी बेटा वेक्टर में पूछ रहा हूँ, मैग्नीट्यूड क्यों निकालोगे? 100 आई माइनस 200, यही तो है ना। हाईएस्ट पॉइंट में कौन नहीं रहता है? वाई कंपोनेंट हटा दो। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, सॉल्यूशन देखेंगे। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट में सिर्फ कौन रहेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो पहले के जैसे रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हटा दो तो बचा क्या 100 आई होगा। यस सर, बोलो क्लियर है। यस सर। वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड अगेन, इसमें और इसमें सिर्फ डिफरेंस किसका है? साइन का। इधर प्लस है तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस। बोलो क्लियर है। यस सर। क्या आएगा वेलोसिटी एट सी कितना आएगा? 100 आई माइनस 200। ये कितना आएगा आंसर? ये रे। यस सर। बेटा अपन ने यही तो पढ़ा ना। यस सर। यहां और यहां पे वेलोसिटी में सिर्फ डिफरेंस किसका आएगा? साइन। और हाईएस्ट पॉइंट में वर्टिकल कंपोनेंट को गायब कर दो, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर है? यस सर। पक्का? यस सर। अब इनका क्वेश्चन बनाओगे? यस सर। अभी तुम लोगों को वार्म अप मैच खिलाया ना, मेन मैच खिला रहा हूँ, अब खिलाऊंगा मतलब ये प्रैक्टिस मैच हो गया। आगे बढ़े। yes, चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। नीट में आया बेटा, इजी क्वेश्चन है लेकिन बना लेते हैं क्योंकि नीट में आया। द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल of a projectile, the velocity of a projectile at the initial point, at the initial point A is 2i cap plus 3j cap meter per second. Full stop. Its velocity at point B is, its velocity at point B is, पहले डायग्राम बनाएंगे, क्वेश्चन पूरा लिखेंगे। तभी तो बना पाओगे। yes, एक पता रहेगा तभी बना सकते। इसी क्वेश्चन है। yes, लेकिन पता पढ़ने के बाद स्पीड है ना, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड।
वापस से जब ग्राउंड में आएगा तो भी स्पीड कितनी होगी? यू स्पीड तो वही है ना। यस सर। हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड बोलो यू कॉस बताया था ना। यस सर। हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड क्या होगी? यू कॉस थीटा। बोलो क्लियर है? यस सर। पॉइंट ए दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। अगर मैं बोलूं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी मान लो जो प्रोजेक्टाइल हम थ्रो कर रहे हैं उसका मास है एम, उसको अपन थ्रो कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इनटू स्पीड का स्क्वायर। ए पे स्पीड कितनी है? यू। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या होगा? हाफ एम इनटू स्पीड एट ए का स्क्वायर। बोलो क्लियर? यस सर। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट? दैट इज बी। हाफ एम इनटू यू कॉस थीटा का स्क्वायर होगा। अगर आपको यू पता है, इनिशियल स्पीड पता है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता है और ऑब्जेक्ट का मास पता है तो आप हाईएस्ट पॉइंट की क्या निकाल सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। लिख लो उसको, डायग्राम बना लेंगे, ऐसा लिखेंगे बेटा काइनेटिक एनर्जी, ये हेडिंग डाल देंगे। तीन पॉइंट्स हम ले रहे हैं ग्राउंड में, दो पॉइंट्स है और एक पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट। तो ग्राउंड की काइनेटिक एनर्जी ए पे हाफ एम यू स्क्वायर, सी पे भी हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि ग्राउंड में स्पीड क्या है? सेम है ना। और बी की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए क्लियर है? यस सर। ऑब्जेक्ट का मास दिया है 2 kg का, ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री है ना। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को बोल दिया मतलब कहां से लोगे? हॉरिजॉन्टल से। थीटा दिया है 30 डिग्री। काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला हो जाता है वो हो जाता है हाफ एम इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। बोलो क्लियर है? यस सर। तो हमें ये हो जाएगा हाफ, मास दिया है 2 केजी, यू कितना है बेटा? 4 का स्क्वायर। कॉस थीटा, थीटा कितना है? 30। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस 30 इंटू कॉस 30। कॉस 30 कितना? रूट 3 बाय 2 इंटू रूट 3 बाय 2 कॉस 30 इंटू। तो 2 तो कैंसिल हो गया इधर, 4 का स्क्वायर 16 इंटू रूट 3 टू रूट 3 इज 3 डिवाइडेड बाय 2 टू द 4, 4 4 जा 4 3 जा 12 12 मीन सॉरी और
एनर्जी है, तो एनर्जी के ऐसा ही क्या आएगी, तो आंसर क्या आएगा बोलो, 12। बोलो क्लियर है कि यस सर। आगे थे यस सर। आगे की एनर्जी होगी 12। बोलो क्लियर है, आगे बढ़े। लिखने बेटा जल्दी लिखो, सॉल्यूशन मैं बताता हूँ तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ये स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, इफ इट्स स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट इज हाफ ऑफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, हाफ ऑफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन then find angle of projection, then find angle of projection, then find angle of projection. First option is 30 degree, second 45 degree, third 60 degree, last is none. तो ये क्या रहेगा आंसर लिखा है, तो कनी माना बेटा बना के देखना है क्या बोल रहा है। कंडीशन देखो, स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट इज हाफ ऑफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। मान लो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है यू, मान तो सकते हैं ना, और हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड है यू एच, मान लो कितनी है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है मान लो थीटा, ठीक है। तो आपको क्या दिया है, स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट इज हाफ ऑफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, दैट इज हाफ ऑफ यू, ये दिया ना। स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट इज हाफ ऑफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, बोलो क्लियर है। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन का जिस समय आप थ्रो कर रहे हो उसी को क्या बोलोगे, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, बोलो क्लियर है। यानी यू एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, व्हाट इज स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, यू कॉस थीटा, बोलो क्योंकि हमको थीटा निकालना है तो फॉर्मूले को थीटा के टर्म में लिखना पड़ेगा। यू एच की जगह क्या लिखेंगे, यू कॉस थीटा इज हाफ इनटू यू बाई टू, दैट इज यू बाई टू, यू और यू क्या हो गया कैंसिल, कॉस थीटा कितना आ गया, इधर वन बचा वन बाय, तो अगर कॉस थीटा वन बाई टू है तो थीटा कितना होगा 60 डिग्री, बोलो क्लियर पक्का, समझ में आ रही है। क्या दिया क्वेश्चन पढ़ो, स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट इज हाफ ऑफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड अपन यू एच मान लिए और यहाँ की स्पीड यू मान ली, ऑब्वियसली यहाँ की स्पीड कम होगी ना, लेकिन कितनी कम है, हाफ है, तो यू एच क्या हो जाएगा, यू बाई टू होगा, लेकिन यू एच होता क्या है, अगर ये यू है और ये थीटा है तो यू एच को क्या लिख सकते, यू कॉस थीटा, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के बाद आप देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट, प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट, नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग प्रोजेक्शन, ये छोटा पार्ट है मेन हमारा हो गया प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट, प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट, ठीक है। अब मान लो एक टावर है, टावर की हाइट आपको दी है एच, ठीक है। यहाँ टावर पे चढ़ के आप एक ऑब्जेक्ट को ऐसा फेंक रहे हो, हॉरिजॉन्टल कैसा फेंक रहे हो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपने दी u, डायरेक्शन की दर x एक्सिस में, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो u i लिखेंगे, अदरवाइज मैग्नीट्यूड क्या लिखूंगा u। अब जैसे इसको मैंने हवा में छोड़ा, ये ग्रेविटी के इफेक्ट में आएगा और इसका पाथ हो जाएगा पैराबोला, क्या हो जाएगा पैराबोला, और ये अल्टीमेटली कहां आ जाएगा ग्राउंड, ये टकराने के समय इसकी वेलोसिटी है मान लो v, और ये
जो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है मान लो, ऊपर से नीचे आने का टाइम लग रहा है मान लो कैपिटल, एंगल बना लो इसमें कुछ, इसमें कुछ डिलीट कर देता हूँ। होगा तो ये अपने को क्या दे?